हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा और गियर अप होंगे आज के इस सेशन के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर भी हम लोग जो टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। मैं यहाँ पर काफी सिलेक्टिव टॉपिक्स के रिगार्डिंग ही पहले हम लोग विल स्टार्ट ऑफ विद सिलेक्टिव टॉपिक्स एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड टू सी लाइक व्हाट आर टॉपिक्स दैट वी कैन डू इन द लेटर ऑन क्लासेस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। ठीक है, थोड़ा सा शुरू करते हैं। अरे हाँ, तो दीज आर फ्यू एग्जाम्स विच आर क्रैक्ट ओवर द ईयर्स। अगर आपको देखना चाहते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो यू कैन ऑफ कोर्स सी इट। बाय द वे एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले, शायद मैंने पॉलिटी के सेशन के अंदर ना एक मिस्टेक कर दी थी। मैंने पंचायत का पार्ट 9A समथिंग करके कुछ बोल दिया था, विच इज रॉन्ग। ठीक है, पार्ट 9A नहीं था, पार्ट 9 था। ठीक है, तो एक बार वो करेक्ट कर लेना। वैसे मैंने कमेंट के अंदर लिख दिया था जितने भी लोगों ने उसको पिन पॉइंट किया, बट बाय किंग एक बार आप जस्ट चेक इट आउट वंस। ओके, चलो देन ट्रिपल एस प्रोवाइड्स द फ्री टेस्ट वाली अपॉर्चुनिटी, ये जाके आप देख सकते हो। और बाकी सब कोर्सेज भी हैं, आपको सब्सिडाइज रेट के ऊपर आपको मिल जाते हैं ट्रिपल एस ऐप के ऊपर। आप स्टोर पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो परचेज दोस थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार थोड़ा सा ना। ओके, तो देखो यार, सबसे पहले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पॉलिटी पढ़ाने के टाइम पर भी आपको एक चीज, मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी था उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं किसी को, आप लोगों को कोई मतलब कहते हैं ना, वो पर्दे में रखना नहीं चाहता हूं। पहले से चीजें क्लियर करना आई थिंक बेटर होता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करें, देखो ज्योग्राफी के रिगार्डिंग अगर आपको बताऊं तो ज्योग्राफी के आपके बेसिकली, अगर आप कहीं से भी पढ़ोगे, मेजर क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ो के रिगार्डिंग अगर बात करें, तो इसकी तीन मेजर क्लासिफिकेशन की जाती है। पहली होती है सर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड सर आप लोग बोलते हैं इसको, बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और तीसरी आपकी आ गई इंडियन स्पेसिफिक ज्योग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। अब देखो आपके सिलेबस के अंदर अगर आप यहां से पढ़ने की कोशिश करो, ये भी पॉलिटी, सॉरी ये भी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी 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 सॉरी ये हो गया ये ज्योग्राफी। तो ये तो हो गए कुछ पार्ट्स आपके, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जिसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात कर रहे हैं। क्लाइमेट के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं, पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, जस्ट पांच मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपका। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन काइंड ऑफ ये टॉपिक है, वैसे ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपका मिक्स रहता है टॉपिक। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से भी आप पिकअप कर लो। डेमोग्राफी सेंसस इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू दिस ओनली। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर लेक्स ऑफ इंडिया, दिस इज इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, देन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपके निकल के आ रहे हैं रिगार्डिंग ज्योग्राफी, फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी के। और इन्वायरमेंट के अंदर भी आपका एटमोसफेयर वाला टॉपिक आता है, वो भी यहाँ पर क्या आपका कहीं ना कहीं क्लाइमेट और वेदर से ही एसोसिएट कर रहा है। मतलब पूरा का पूरा मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके सिलेबस के अंदर ये JKSSB की बात कर रहा हूँ, JKSSB VLW के सिलेबस, जिसको हम लोग फिलहाल के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी ना के बराबर है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या है, कम मात्रा के अंदर आपको देखने को मिलती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आपके मतलब है ही नहीं, जितना मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा है। ये करंट अफेयर के बेसिस पर कुछ आ जाए तो आ जाए ऐसे करके, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर भी ठीक ठाक सा फोकस है, मतलब इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ऑफ कोर्स रिवर्स एंड लेक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो JNK के ऊपर भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफी सारे आपके देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से ठीक ठाक से मेंशन की हुई है, और इसके भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही मेंशन किए हुए हैं। अब टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही मेंशन किए हुए हैं। तो Although, ज्योग्राफी जब भी आपको पढ़नी हो, ज्योग्राफी जब भी आपको पढ़नी हो, ये मेरा एक रिकमेंडेशन भी है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSC, ठीक है, और मतलब KS के एग्जाम के लिए कह लो, JKS के एग्जाम के लिए कह लो, और या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जाम्स, या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम, तो इन सभी के बेसिस के ऊपर आपको हमेशा ज्योग्राफी इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़नी चाहिए। मतलब इंटीग्रेटेड मैनर क्या हो गया कि आप फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, थोड़ी बहुत साइंस वगैरह भी बीच में आती है, लेकिन अगर आप इनको समझ लोगे तो साइंस तो चलो आपकी पीस ऑफ केक हो ही रहा साथ साथ में, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने में, एंड देन आपको ज्योग्राफी याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऑफकोर्स ज्योग्राफी के अंदर काफी सारा डाटा होता है रिमेंबर करने वाला, लेकिन अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं दिस एग्जाम को, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसके अंदर इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत है आप लोगों को, लाइक इंडियन ज्योग्राफी हो गया फिर इसके अंदर, कि आप फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ो।
इतना ना पढ़ पाओगे और ना ही, मतलब मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप पढ़ नहीं पाओगे, उतना अब्जॉर्ब भी कर नहीं पाओगे। और ये कोई स्मार्ट तरीका भी नहीं हुआ, बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, उनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। और अगर ट्रेंड भी देखो आप JKSSB का, तो वो इतना सारा डेप्थ में जाता ही नहीं है, इतना सारा मतलब ही नहीं बनता है, जो लिखा ही नहीं उसमें तो क्यों मतलब बनता है। तो मैं आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं भी इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ही फोकस करूंगा, जो भी टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं टॉपिक वाइज ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा लगेगा कि आपको कट ऑफ लगेंगे, लाइक पॉलिटी के अंदर में पूरी कहानी की तरह से पहले ही लेक्चर से शुरू हो गया, बिल्कुल एंड लेक्चर हम तो गए थे, तो पूरी कहानी थी, है ना। इसके अंदर ये कहानी वाला सिस्टम नहीं है, बिकॉज उनका सिलेबस ही इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। पर्सनली बताऊं तो मैं JKSB के, ये ट्रेडिशनल सिलेबस है JKSB का, मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता सिलेबस, बिकॉज उसमें ना बहुत सारे ब्रेक्स हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं इसके ऊपर बात, हम लोग क्या क्रिटिसाइज करें, हम लोग पढ़ने आए तो पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और आपको ऐसा लग सकता है कि ज्योग्राफी का ना जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा कंबरसम है, डाटा स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे इसलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो मुझे डायरेक्शंस मिली हैं मैं उस हिसाब से यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मतलब ज्योग्राफी इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा वन ऑफ द लाइक कोर सब्जेक्ट्स है मेरा ज्योग्राफी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन जैसे मैं UPSC का जब एग्जाम दे रहा था तो मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी था, तो आपको थोड़ा सा समझ लो, आप पता लग जाएगा आपको ऐसे करके, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ये हमारी थोड़ी सी बात हो गई, बातचीत हो गई, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। मैं कोई क्यों आपको पहले बताना जरूरी समझता हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब होगी सर बात सारी खत्म, अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि हमारा क्या आपका क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट और क्रॉप्स हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूएंसेस आते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन मेन चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज इट कैन बिकम रियली रियली इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सॉरी इंटरेस्टिंग है ना, इट कैन रियली बड़ा हो सकता है वो टॉपिक। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं फिजिकल ज्योग्राफी का इंटीग्रेट नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट जो टॉपिक है वो पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, उसमें क्या ही स्टैटिक पढ़ लोगे आप, है ना। तो ये मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक की तरह से ही पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कितना कंसाइज हो सके उतना कंसाइज। सबसे पहले सर एकदम बकवास बकवास से क्वेश्चन, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या क्वेश्चन का है आपका कि, अरे यार ये तो चक्कर हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो भैया क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या होता है क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट क्या है आपका कि ये एवरेज कंडीशन है, एवरेज कंडीशन जो कि बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के लिए देखी गई है, एक्सपेक्टेड स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है ना, जून चल रहा है, चल रहा है, उसे जुलाई स्टार्ट हो गया यार, सॉरी सॉरी जुलाई स्टार्ट हो गया, तो 1 जुलाई है ना, तो 1 जुलाई, तो क्या कहते हैं आपका, हाँ तो जुलाई स्टार्ट हो गया बेसिकली। तो जुलाई में लगभग हर साल जुलाई में किस तरह की कंडीशन रहती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे क्लाइमेट बोलेंगे, मतलब कितने साल, ऑलमोस्ट 10 साल का एवरेज अगर ले लो तो वो क्या कहेगा, क्लाइमेट कहलाएगा, ठीक है सर। रीजन क्लाइमेट इज जनरेटेड बाय द क्लाइमेटिक सिस्टम विच हैज 5 कंपोनेंट्स, कौन से इनके में से होता है, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, ये क्रायोस्फियर बकवास है कुछ काम करिए, लैंड सर्फेस एंड बायोस्फियर, मतलब बेसिकली बायोस्फियर और से संबंधित जो आपका कोई भी जो भी कंडीशंस यहाँ पर बनती है एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक टाइम पे, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। वेरस वेदर के बारे में अगर बात करें तो ये क्या आपका स्पेसिफिक प्लेस तो बोला है, एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम भी बोला है, लेकिन ये क्या आपकी यहाँ पर एवरेज था, यहाँ पर एवरेज नहीं है, यहाँ पर क्या आपकी डे टू डे जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रही है उसको यहाँ पर बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर हो रही है, प्रेसिपिटेशन वेरिएशन हो रही है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है। सीधी सी भाषा में अगर आपको बताऊं तो अगर आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते होंगे, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में अगर देखो तो एक होता है आपका मूविंग डे एवरेज, है ना, 5 साल की एवरेज देखते हो या फिर किसी कोई आप एवरेज देखते हो, तो वो जो आपकी 5 साल के कितने रिटर्न है ना, जो रिटर्न आपके आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक नहीं यार FD का एग्जाम्पल ही है ना, गंदा सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी मान लो कोई ना कोई भी स्टॉक है वो क्या कर रहा है आपका पिछले 5 साल में उसने 15% से बहुत ज्यादा हो गया, चलो थोड़ा कर लेते कम, 10% का उसने क्या दिया, CAGR दिया, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है उसको पिछले 5 सालों से 10% के आसपास यहाँ पर दे रहा है, तो ये क्या होगा आपका क्लाइमेट हो गया, ऐसा कह लो, है ना। और वेदर का मतलब क्या होगा कि आज उसमें क्या उसकी ग्रोथ क्या होगी, एकदम मतलब खतरनाक वाली ग्रोथ होगी, और कल एकदम क्या बिल्कुल नीचे चला गया, तो ये क्या आपका ये डे टू डे यहाँ पर चल रहा है ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा बस एक करके एक तरह समझने के लिए आपका एक तरीका बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ओके, कंपोनेंट्स क्या है, क्लाइमेट के अंदर क्या देखेगा आपको, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, ये सब के सब क्या आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर करके, मतलब और कब करेंगे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे। यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, ऐसी बात नहीं है, देखो यहाँ पर भी टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ये फैक्टर्स यहाँ पर भी है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के जो चेंजेस लेकर आते हैं वो क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आपका वेदर वाला पैटर्न आपको उसको कहलाते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको बोलते हैं अपन वेदर वाला कंडीशन पर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पर क्या थी, आपकी हीट वेव चल रही थी, है ना, कुछ टाइम पर आपकी पहले हीट वेव, 1-2 महीने पहले हीट वेव आई थी, तो उससे क्या होता है वो बहुत ज्यादा क्या हुई थी, अचानक से गर्मी हो गई थी, ठीक है, इतने उतने यूजली टाइम पर गर्मी रहती नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी रह गई थी, 40+ टेम्परेचर यहाँ पर चल रहा था, 40+ डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा था, ऐसा कुछ करके। इस तरह से कोल्ड फ्रंट भी देखने को बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोलर वर्टेक्स वगैरह, देखते हैं यूएस वगैरह के अंदर आपकी आ चुकी है, मतलब क्या हुआ आपकी जो लहरें है ना वो इस तरह से लहरें ऊपर उठी और यहीं पर जम गई,
मतलब वो लहरें इस तरह से ही हैं, आज तक लहरें इस तरह, मतलब आज तक नहीं, मतलब उस टाइम पर लहरें इस तरह से थी। आप गूगल करना पोलर वोटेक्स करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी इमेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये इसका फोरकास्ट क्या है? इसका फोरकास्ट यार देखो यहाँ पे 30 ईयर्स लिखा हुआ है, मतलब 10 साल से लेकर आगे 30-30 सालों तक यहाँ पे जो फोरकास्ट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि जो आने वाले टाइम पे क्या होगा, ग्लोबल का अर्थ जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड थैंक्स टू अस। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली वो क्या आपका क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वेरास यहाँ पर क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल डाटा को लेता है, फॉर एग्जांपल एयर क्या, आज का तापमान क्या, आज का प्रेशर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, सोलर एडिशन क्या है, स्पीड्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, इन सबको अकाउंट करके जो आज की कंडीशन बताता है उसे बोलते हैं वेदर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ना कि जो कि दिमाग में आ गया, ऐसे व्हाट्सएप वगैरह जो चलते रहते हैं ना कि एक क्या होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ हस्बैंड इज देयर, है ना, हस्बैंड इज देयर एंड देयर इज अ वाइफ। ठीक है, तो क्या होता है, हस्बैंड कुछ भी अगर कुछ कमेंट करना हो, कुछ भी कोई डिमांड करनी हो कि आज पनीर वगैरह बना दिया जाए, कुछ बना दिया जाए, क्या होता है वाइफ की का मूड देखकर डिसाइड करता है। तो मूड क्या है बेसिकली, वो क्या है, वेदर है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है ना, आज कैसा मौसम है भाई क्या पता, ऐसा करें। ठीक है, चलो देन क्लाइमेट क्या आपका डिटरमिनिंग फैक्टर्स, मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट करते हैं वेदर को, सेम कुछ खास नहीं कुछ छोड़ो, ये क्या आपके रियल टाइम मेजरमेंट्स है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। ठीक है, देन आपका अबाउट क्लाइमेट कुछ काम नहीं, कुछ काम करिए, ये बस वही बोल रहा है कि स्पेसिफिक छोड़ यार कुछ काम का है ही नहीं। देन आपका टाइम पीरियड, यहाँ पर क्या लॉन्ग पीरियड और यहाँ पर क्या आपका शॉर्ट पीरियड, यहाँ पर स्टडी, इसको स्टडी को बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टडी को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी देखो लॉजी का जो वर्ड होता है ना, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो किसी का भी आप लॉजी लगा दो, फॉर एग्जाम्पल होता है पेलियंटोलॉजी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कोई भी लगा लो आप, कौन सी सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी को बोलते हैं सोशियोलॉजी, ऐसे करके आपके बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी बोलते हैं, ये थोड़े से वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ खास नहीं, शॉर्ट टर्म मॉडल लॉन्ग आपको पता ही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताता हूँ, जब जेके पीएसआई का पेपर हो गया था, ठीक है, तो मैं मतलब पहले जहां पर मैं बैच ले रहा था, जहां पर पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, तो हमने काफी अच्छे से मेहनत करी थी और हमने बहुत टॉप लेवल का पढ़ लिया था। ठीक है, बिकॉज मुझे मजा आ रहा था पढ़ाने में और देवर ऑल्सो इंटरेस्टेड, तो हम लोग बहुत मतलब अराउंड 1000 के आसपास हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो बहुत मजा आया, मैंने वहां पर ना खूब पढ़ाया उनको अच्छे से जान लगा के। आई थिंक वी हैव स्टडीड, आई थिंक 8 से लेकर 10 महीने हमने तैयारी की होगी। ठीक है, आई थिंक जून में बैच स्टार्ट हुआ था, या आई कैन रिमेंबर दैट। तो जब पेपर खत्म हुआ ना, तो ऐसे ही एक स्टूडेंट ने मेरे को रिप्लाई किया, सर आज ना मैं ऐसे रिवाइज कर रहा था, अभी कुछ एक महीने पहले की बात है, तो मेरे को बता रहे थे, कहते सर आज मैं रिवाइज कर रहा था, ऐसे ही ज्योग्राफी पढ़ रहा था, और मुझे ना क्लाइमेट और वेदर के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस समझ में आया। तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब, मैं तो पढ़ाया था डिफरेंस वगैरह, क्या ही डिफरेंस हो गया उसमें करके। तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते थे को सर हमने 8 से लेकर 10 महीने तैयारी करी, एकदम जी जान से तैयारी करी, और हमने क्या किया, हमने एक्सपेक्ट किया कि आप हमारा पेपर जो जेकेपीएसआई का पेपर क्या है, थोड़ा टॉप लेवल का आ जाए, वो टफ से लेवल का पेपर आ जाए, मजा आ जाएगा, है ना, बिकॉज इतनी सारा मेहनत करी है, इतना डेप्थ में हमने पढ़ लिया, तो अच्छा ही रहेगा, है ना। तो बिकॉज यूपीएससी ऑलमोस्ट टच कर दिया था हमने, ठीक है, तो क्या कहते हैं आपका ये इतनी सी तैयारी करी थी, ये थी हमारी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मतलब व्हाट वी एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड एज क्लाइमेट, ये क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया। लेकिन एक्चुअल में व्हाट वी गेट वी गॉट, जो हमारा जो एग्जाम आया, पेपर आया, वो इतना ही ज्यादा अलग से लेवल का आ गया, अलग से मतलब ऊंचाई लेवल कह लो, उस टाइप का लेवल का आ गया, फिर क्वेश्चन ही कुछ अलग, मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आ गए। तो ये क्या था, व्हाट वी एक्सपेक्टेड इज क्लाइमेट एंड व्हाट वी गेट इज वेदर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एनालॉजी थी, बड़ा हंस रहे थे हम लोग इसके ऊपर। तो या दिस इज ऑल्सो समथिंग वी कैन रिमेंबर इट। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, कोई आई थिंक मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दी, वैसे भी नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा जो मेजर टॉपिक है वो आज हम लोग क्लाइमेट के अंदर हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं रेनफॉल्स के बारे में, लेकिन रेनफॉल्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स इसके बारे में पता होनी चाहिए। यार ये थोड़ा सा मैं इसको इधर ही रख लेता हूँ, ये थोड़ा सा अजीब, अरे भाई क्या हो गया, एक सेकेंड ना, हाँ अब ठीक है, इधर ही ठीक रहती है। ओके, तो बेसिकली कुछ हमारी टर्म्स हैं उसको पहले समझते हैं। अच्छा, रेनफॉल हो, प्रेसिपिटेशन हो, बात एक ही है। ठीक है, ऑलराइट, तो सबसे पहले एक टर्म आती है, इसमें बोलते हैं इवेपोरेशन। ये वाटर साइकिल के अंदर आपकी टर्म सुनोगे, एक होता है इवेपोरेशन, देन फिर क्या होता है, इवेपोरेशन के बाद क्या होती है आपकी ह्यूमिडिटी गैदर होती है, एक जगह पर ह्यूमिडिटी इकट्ठी होती है, देन इसके बाद क्या होता है आपका, देन आपकी कंडेंसेशन होती है, चीजें क्या होती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद आप क्या देखते हो कि होती है एक्चुअल में प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश होती है। ये आपका आ गया प्रेसिपिटेशन, आ गया प्रेसिपिटेशन। तो ये आपकी बेसिकली वाटर साइकिल है, जो आपने बचपन में डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी वगैरह या कहीं ना कहीं बुक में बना होगा, ऐसे ऐसे करके डायग्राम बना होगा, साइकिल सी बना रखी होगी। ठीक है, ऊपर बादल बने होंगे, सबने देखा होगा डायग्राम। अगर समझते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब क्या कहते हैं, जो वाटर वेपर्स मतलब किसी भी एक वाटर बॉडी से या किसी भी एक लिक्विड से, व्हाटएवर स्टफ इज देयर, वहां से क्या करते हैं, वाटर वेपर्स इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं यानी कि अपना स्टेट चेंज करते हैं, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू कौन सा आपका, दैट इज वेपर स्टेट बोलो, गैशियस स्टेट बोलो, चलेगा एक बार को वो, तो ये चीज चेंज करते हैं, फेस चेंज प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। देखो दो तीन चीज याद रखना, पहली बात तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगी। इसका देखो फॉर एग्जाम्पल अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे,
करंटली टेम्परेचर है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल जहाँ पे मैं भी ले रहा हूँ, मतलब घर पे भी टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। अब 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है। 8 डिग्री सेल्सियस भी क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी क्या होती है, इवेपोरेशन होती है। -1 डिग्री सेल्सियस भी क्या होती है, इवेपोरेशन होती है। यस एब्सोल्युटली राइट, इवेपोरेशन आपको हर टेम्परेचर पे देखने को मिलेगी एक्सेप्ट एक्सेप्ट एट 0 केल्विन, एक्सेप्ट एट 0 केल्विन। अब 0 केल्विन का मतलब क्या है, 0 केल्विन को हम लोग बोलते हैं कि इस टेम्परेचर पर, ये अचीवेबल टेम्परेचर नहीं है अभी तक, हम लोग इस टेम्परेचर पहुंच नहीं पाए हैं। अगर 0 केल्विन तक पहुंच पाओ तो क्या हो जाएगा, सब चीजें क्या हो जाएंगी, स्टिल हो जाएंगी, मतलब जो एक्चुअल में स्टिल हो जाएंगी। ऐसे हम लोग देखते हैं कि बर्फ है, बर्फ जम गई, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर देखोगे तब भी क्या होती है, वाइब्रेशन होती रहती है। तो ये सब की सब वाइब्रेशन क्या होती है, सीज होते हैं, सारे सारे मॉलिक्यूलर मोशन क्या होते हैं, सीज हो जाते हैं, उसे बोलते हैं 0 केल्विन। इट इज नॉट अचीवेबल ऐसा करके, ठीक है। 0 केल्विन तो जीरो ऐसे के मत लिख लो, 0 केल्विन ही लिख लो आप पूरा, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर अगर आप पहुंच जाओगे तब आपको क्या देखने को मिलेगी, दैट इज इवेपोरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, एक्सेप्ट 0 केल्विन, इवेपोरेशन एग्जिस्ट एट इवेपोरेशन एग्जिस्ट एट एनी टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट एनी टेम्परेचर। एक तो ये बात समझ आ गया, मतलब क्या है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लिक्विड कुछ ना कुछ टाइम के वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो बात होगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इवेपोरेशन को फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर्स इसको इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये जरा समझने की कोशिश है। पहली बात तो क्या, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा आसान है, हाई टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर आपका हाई होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका जो लिक्विड से वेपर जो चेंज हो रहा है वो क्या होगा, उतना ज्यादा फास्ट होगा। एज सिंपल एज दैट, आपको तो पता ही है। जैसे अगर आप पतीले के अंदर आप चाय वगैरह बनाते हो तो क्या करते हो, अगर आप फ्लेम को हाई कर दो तो क्या होता है, बहुत सारे वेपर्स बनते हैं, है ना, बहुत सारे वेपर्स बनते हैं ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारे वेपर्स बनते हैं। अगर आप फ्लेम को बहुत ज्यादा सिम कर दो या फिर बहुत ज्यादा कम कर दो या फिर बंद ही कर दो तो क्या होता है, आपकी आपकी यहाँ पर चाय जो लिक्विड होता है वहाँ आराम से यहाँ पर बॉइल नहीं करता है, फिर वहाँ पर स्टे करने लग जाता है, और क्या कहते हैं आपके जो ऊपर जो ये वेपर्स निकल रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में कम निकलते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इजी, है ना, सिंपल सी बात है। या सिंपल अगर आप वैसे गर्मियों में बाहर भी जाओ, अभी गर्मियां चल रही हैं, तो अगर आप बाहर जाओ तो क्या, अगर आपको जो पसीना आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है, स्वेट होता है, तो स्वेट से क्या होता है, आपका स्किन से स्वेट उड़ जाता है हवा में, वो क्या आपका इवेपोरेशन है। जितनी ज्यादा गर्मी उतना सारा स्वेट निकलेगा, उतना सारा स्वेट क्या होगा, हवा में उड़ेगा। वेरास इट्स वेरी मच रिवर्स इन द केस ऑफ द विंटर्स, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर उतना सारा इवेपोरेशन आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड वाला कंडीशन क्या, आपकी लो प्रेशर कंडीशन, जितना प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, लो होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन आपको देखने को मिलेगी। लो प्रेशर कंडीशन जितना लो, ये अब ये इसका एग्जाम्पल क्या है, पहाड़ी इलाके पे आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपने मतलब कि आप, चलो मैं आपको प्रूव नहीं कर सकता हूँ पर आपको वैसे बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री सेल्सियस, इट्स जस्ट मतलब ऑब्जर्वेशन है, अगर आप कभी चेक करो जाके आपका ना, जैसे नॉर्मली जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइल होता है एट नॉर्मल लाइक आपका 180 प्रेशर के ऊपर, लेकिन जैसे आप एटमोस्फेरिक प्रेशर, जैसे आप पहाड़ के ऊपर आप चढ़ते हो तो क्या देखते हो आप लोग कि जो प्रेशर होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वो क्या हो गया, 0.8 atm हो गया, इससे बहुत ज्यादा कम है ये, चलो कोई नहीं, 0.8 atm यहाँ पर प्रेशर हो गया, चलो 0.9 कर लेते हैं, 0.9 आपका प्रेशर कर लेते हैं, बिकॉज जैसे हम ऊपर जाते हैं विद इंक्रीज इन हाइट प्रेशर डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस और क्या टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर तीनों को हम डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। ओके तो क्या हो गया, अगर ये जब भी प्रेशर यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ क्या, लो प्रेशर कंडीशन, जितना प्रेशर लो होगा, जितना प्रेशर आपका लो होगा उतना क्या होगा आपका जो इवेपोरेशन रेट है, उतना इवेपोरेशन रेट है वो क्या हो जाएगा आपका फास्टर हो जाएगा। मतलब क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, पानी आपका बॉयल हो जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका पानी बॉयल हो जाएगा। अब आप लोगों ने बचपन में ये भी देखा होगा, ये पढ़ा होगा कि यार जो खाना है वो क्या होता है, अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो पहाड़ों के ऊपर अगर आप खाना पकाने की कोशिश करो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग क्या बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं, तो मैगी आप क्या बना रहे हो, अगर नॉर्मल आप घर में बनाते हैं, मतलब प्लेन्स में बनाते हैं, प्लेनर एरिया में बनाते हैं, तो क्या होता है आपका, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी बॉयल होता है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मुला पढ़ा होगा, इस तरह से ये फॉर्मुला टाइप हो रहा है, बट आई थिंक ना शायद इम्तियाज सर ने, मैं देख रहा था साइंस वगैरह आपको पढ़ाई है, तो साइंस में आपने आई थिंक फॉर्मुलेस वगैरह देखे होंगे, तो आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल। सर ने फिजिक्स या केमिस्ट्री समथिंग पढ़ाई थी, तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा, चलो कोई नहीं, आप सिंपल देखो MC डेल्टा टी। एम क्या होता है, मास होता है, सी क्या होता है, कुछ कॉन्स्टेंट होता है, छोड़ दो हमें फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, ठीक है। तो डेल्टा टी को भी छोड़ो, हम लोग क्या करते हैं, टी रख लेते हैं। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर मतलब ये क्यू क्या मतलब यहाँ पर क्या, हीट। तो किसी भी बॉडी के अंदर कितनी हीट होगी, कितनी गर्मी होगी, वो क्या होगा, उसका खुद का मास एक कांस्टेंट होता है, फर्क नहीं पड़ता। देन आपका टी, टी मतलब टेम्परेचर, उस बॉडी का कितना टेम्परेचर है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सीधी सी भाषा में अगर बताऊं तो मैं आपका क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई उतनी ज्यादा बॉडी में गर्मी, समझ आ गई बात, सिंपल सी भाषा में। अब यहां पर देखो जरा, मैगी को पकाने के लिए क्या चाहिए था, गर्मी चाहिए थी।
अब गर्मी गर्मी मतलब क्या बॉइलिंग। अब देखो हमने क्या था, मैगी हमने कच्ची अगर उस पर डाल देंगे, पैन के अंदर डाल देंगे या कहीं भी कुकर के अंदर हमने कुछ भी डाल दिया, मान लो मैगी हमने उठा के यहाँ पर डाल दी, अब यहाँ पर हमने पानी डाला नहीं, पानी डाला नहीं, तो क्या मैगी रखी रखी पक जाएगी क्या? नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं साथ में, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें पानी में डाल रहे हैं, उसके बीच में हम लोग क्या डालेंगे, मैगी वगैरह डालेंगे जो कि नूडल्स वगैरह वो यहाँ पर डाल देंगे। अब ये पानी जो है, पानी जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा था, कहां पर? जब ये था प्लेन्स पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस, सिंपल समझो इसे, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो टी की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100 अमाउंट में कुछ भी मान लो, कोई भी 100 है ना, 100 किलो जूल, जूल जो मर्जी मान लो, सिंपल समझ लो 100। तो 100 के हिसाब की क्या थी आपकी हीट जो थी ना, वो उसको मिल रही थी, तो मैगी क्या हो जाएगी, आराम से पक जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रेशर लो हो गया, प्रेशर लो हो गया तो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही क्या हो जाएगा आपका जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा पानी। अब यहां पर क्या हो रहा है, पहले यहां पर 100 के प्रोपोर्शनल हीट मिल रही थी, अब यहां पर 80 के प्रोपोर्शनल हीट मिलेगी। तो सीधी से भाषा में अगर समझ लें तो क्या हो जाएगा, पहाड़ों के ऊपर अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाएगा आपका इवेपोरेशन का प्रोसीजर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर बॉइलिंग का प्रोसीजर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइल हो गया तो यहां पर जो 20 वाली जो हीट थी वो इसको नहीं मिल पाई, इसलिए क्या हो जाएगी, मैगी जो है वो थोड़ी बहुत कच्ची रह सकती है। प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, प्रेशर कुकर क्या करता है, वो खुद का एक अपना एटमोसफियर बनाता है और वो अपने आप का ही प्रेशर क्या करता है, हाई कर लेता है, ऐसे करके चीजें देखने को मिल जाती है। खैर मैं यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ रहा हूँ ज्यादा, तो भी ज्यादा में यही प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी ना, इतना जितना रिलेट करके पढ़ो उतना ज्यादा बेटर रहता है, पर चलो कैन कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे मैं बताता रहूंगा ऐसी चीजें, तो उसको माइंड मत करना, ठीक है, ऐसे पढ़ोगे थोड़ा सा ज्यादा समझ आएंगी चीजें। तो फैक्टर्स होगा हाई टेम्परेचर, ये कंडीशन, और साथ साथ में क्या आपकी हवाएं, अगर आप देखोगे, अगर आपको पता है अगर आप बाहर जाओ है ना, अगर आप एक जगह पर बैठे हो, पूरी धूप पड़ रही है और एक जगह पर आप बैठे हो तो क्या होता है, पसीना पसीना निकलता रहता है। लेकिन अगर आप भागना शुरू करते हो तो क्या होता है, पसीना निकलने का रेट क्या होता है, और जरा फास्ट हो जाता है, इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है, फास्ट मूविंग अगर आपकी विंड कह लो या फिर विंड्स हैं तो इससे क्या होता है आपका रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसीलिए फिर आपको ठंडक महसूस होती है ना, ऐसा करके फिर रुक जाओगे फिर आप गर्मी लगेगी। इसका क्लासिक एग्जांपल इज आल्सो सेम कि जैसे अगर आपको याद आ रहा हो, एटलीस्ट अगर अभी नहीं होता तो बचपन में तो पक्का ही होता होगा कि अगर मान लो आपकी मम्मी ने आपका दूध वगैरह गर्म किया है, स्कूल वूल जा रहे हो, कॉलेज वगैरह जा रहे हो, व्हाटएवर स्टफ इज देयर, तो अगर मान लो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था तो क्या करती थी मम्मी कि आपका फैन चला देती थी है ना, ये पतीले में दूध वगैरह भी रखा है और आप क्या कर दिया, आपका फैन चला दिया, तो फैन क्या होता है, हवा यहाँ पर फेंकता है, तो हवा फेंकने से क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट फास्टर हो जाता है, बहुत सारा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ हीट लेके चला जाएगा, हीट लेके चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूध ठंडा हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ऐसे करके। ये और चीज पर डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल एरिया पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एरिया हमारे काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी देखा होगा कि अगर मान लो दूध ठंडा करना होता है तो एक है आपका कप, एक कप के अंदर आपका दूध रखा हुआ है, लेकिन कप के अंदर क्या होता है, दूध जल्दी ठंडा नहीं होता, तो मम्मी क्या कहती है, ऐसा कर एक बड़े कटोरे में ले ले, या एक बटर एक बड़े कटोरे में ले ले, या कुछ मर्जी करके ऐसा करके कर ले। या फिर आपने पुराने जमाने में देखा होगा जो कप और प्लेट का सेट चलता था, तो दिस इज कप और नीचे होती थी प्लेट, ऐसे करके। तो पुराने जमाने के लोग थे वो क्या करते थे कि इस चाय को इसके अंदर थोड़ा सा प्लेट के अंदर गिरा कर फिर पीते थे, उससे क्या होता था कि चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती थी, ठीक है, ऐसे करके देखने को मिल जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ गया, जब एरिया बढ़ता है जितना एरिया बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा, वेपरेशन का रेट फास्टर हो जाएगा और चीजें क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। लेकिन हमारा एरिया वाला कॉन्सेप्ट हमारे काम का नहीं है, ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे काम के हैं, ठीक है। विंड्स के रिगार्डिंग हम लोग कल नेक्स्ट वाली क्लास में बात करेंगे, फिलहाल हमें समझना है ये इस फैक्टर को समझना है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कंडीशन वाले को समझना है। चलो समझने की कोशिश करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो याद रखना, अच्छा पहले इवेपोरेशन हमारा खत्म हो गया, सॉरी इवेपोरेशन खत्म हो गया, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि कितने अमाउंट के अंदर, कितना मतलब अमाउंट के अंदर हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर क्या कह लो कि वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, कितना ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारा वाटर वेपर है हवा के अंदर मिला हुआ है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता उसको बोलते हैं, ठीक है। आपने शायद पढ़ा होगा इसका, इसको जो मेजर करता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है हाइग्रोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाइग्रोमीटर। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, ठंडा हो जाना, कूल डाउन हो जाना, जब क्या होता है वेपर जो होता है वो कन्वर्ट होता है वापस लिक्विड के अंदर, ठीक है। ये आपने देखा होगा जब आपने एक बोतल देखी होगी, अगर आप एक चिल्ड बोतल क्या होती है, अगर आप निकाल के फ्रिज से निकाल कर क्या रखो, बाहर रख दो, तो क्या देखते हो आप लोग कि ये मान लो बोतल है, ये बिल्कुल भी लग नहीं रही बोतल, एक मिनट यार, चलो मान लेते हैं ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, तो ये बोतल के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पर ड्रॉपलेट्स आके इकट्ठे हो जाते हैं, वो किस क्यों इकट्ठे होते हैं, वो अंदर के ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आ रहे होते, वो क्या होते हैं, जो बाहर एयर घूम रही है ना, ये क्या है आपकी एयर का टेम्परेचर हाई था, यहाँ पर क्या थे जो वेपर था टेम्परेचर ज्यादा था कंपेयर गर्म हवा थी, और ये जो होता है यहाँ पर जो इसके अंदर जो पानी की बूंदे हैं वो क्या था, वो वेपर स्टेट के अंदर थी। जब वो यहाँ पर देखती है कि ये जो बोतल है वो तो क्या आपकी ठंडी है, तो जैसे ये गर्म हवा इसके कॉन्टेक्ट में आती है, जैसे ये गर्म हवा क्या होगी इस कॉन्टेक्ट में आएगी, कॉन्टेक्ट में जहां पे आएगी तो ये जो वेपर है ना वो क्या होता है आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर आके स्टिक हो जाता है।
तो ये अंदर का पानी बाहर नहीं आ रहा होता है, ऐसे कैसे बाहर आएगा, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये बाहर की जो एयर होती है वो अपना पानी यहाँ पर छोड़ देती है, यहाँ पर लगा देती है, तो ये होता है वो करके देखने को होता है कंडेंसेशन। तो दिस इज आउट देयर, और कंडेंसेशन से क्या होता है आपकी अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन होती है, जिसे बोलते हैं अपन बारिश बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई सबकी सब टर्म्स, है ठीक है, गुड इनफ। अब बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया यार, है ना, पता नहीं इतना लंबा लेक्चर हो गया, एक सेकंड ना, एक सेकंड रुकना जरा, थोड़ा सा पता नहीं क्यों लग रहा है कि दिस लेक्चर इज लिटिल, थोड़ा सा ज़रा पढ़ तो नहीं हो गया लेक्चर, ये 25 मिनट ही हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा और बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, हाँ जी, तो देखो एक पॉइंट और समझना है आपको, यहाँ पर ध्यान से समझना, इस पॉइंट को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये बात हो रही है हीट, क्या कहते हैं आपका, मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लिया तो सारे सारे रेनफॉल आपको समझ में आ जाएंगे इसे चुटकियों में। मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी या मॉइस्चर कैपेसिटी कह रहा हूँ, समझते हैं अभी, मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी दैट इज आउट देयर, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये दो दो टर्म है, मैं भी बोल रहा हूँ कि जो भी एयर गर्म है, जो भी एयर गर्म है मतलब क्या है, हॉट एयर, हॉट एयर जिसका क्या हो गया, हॉट एयर मतलब सिंपल सी भाषा में जिसका टेम्परेचर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो हॉट एयर के पास क्या होती है, has more moisture holding capacity, more moisture holding, more moisture holding capacity या absorbing capacity, holding capacity बात एक ही है, मतलब क्या है, जब गर्मी ज्यादा होगी या फिर कह लो जो भी एयर है वो क्या है, गर्म ज्यादा है, तो वो ज्यादा मॉइस्चर क्या कर सकती है, अपना कंटेन कर सकती है, vis-a-vis या फिर क्या लो compared to कोल्ड एयर, कोल्ड एयर अगर मैं बात करूं कोल्ड एयर की, तो कोल्ड एयर जिसका टेम्परेचर कम होता है उसके पास क्या होती है आपकी कोल्ड टेम्परेचर, सॉरी कोल्ड एयर जिसका टेम्परेचर कम होता हैज लेस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। बहुत आसान से टॉपिक, बहुत आसान से दो टर्म्स है, इसको समझना जरूरी है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि गर्मी जब हो रही है, जब क्या हो रही है, गर्मी हो रही है, देखो अभी आप अगर थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करो तो जैसे अभी हल्का हल्का मानसून का अराइवल हो रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपसे एक महीने पहले आप देखो तो एक महीने पहले क्या था, टेम्परेचर कहा था 40, जैसे आपको क्लियर होता हूँ तो 46 के आसपास भी पहुंच गया था, जहां पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर भी, और जम्मू वम्मू भी पहुंच गया था आराम से 46 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया टेम्परेचर। इस टाइम पर भी अगर आप देखो तो पंखे चल रहे थे यार, पंखे वंखे चल रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कूलर चल रहा था, कूलर में क्या होता है पानी तो फेंकता है वो, तो कूलर चल रहा था, पंखे चल रहे थे, नो डाउट अबाउट, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं थी, मतलब गर्मी ही तो थी ज्यादा पर मॉइस्चर वाला सीन नहीं था। कट टू अब जैसे अभी मैं बताया 20 डिग्री सेल्सियस टाइम पर टेम्परेचर था, बट आई एम स्वेटिंग लाइक हेल, मैं अभी इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्वेट कर रहा हूँ, रीजन इज सेम, या आप ये देख रहे होंगे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है, लेकिन क्या हो गया, क्योंकि कोल्ड एयर जो होती है ना, ठंडी हवा जो होती है या ठंडी जो एयर होती है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, टेम्परेचर कम है, इसके पास मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू गर्म एयर। इसके अंदर क्या था कि जब टेम्परेचर इसका ज्यादा था तो क्या था, आप मस्त कूलर लगाओ, कूलर वूलर लगाओ, और यहाँ पर आपने जितना मर्जी पानी, खूब पानी भर दिया कूलर में, ठंडी हवा रात को दे रहा है, बड़ा मजा सा आ रहा है, जितना पसीना आपका आ रहा है पसीना उड़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ना, पसीना उड़ ही नहीं रहा है, और ऊपर से जो बॉडी, जो वैसे भी आपके हवा के अंदर जो जो कह लो कि आपका वाटर है, जो मॉइस्चर है, वो क्या हो रहा है, वो भी इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, रादर क्या हो रहा है, वो आपके स्किन के ऊपर आकर क्या हो रहा है, खट्टा हो रहा है, तो क्या होता है, आपका चिपचिप वाला मोशन आपको देखने को मिलता है, ऐसा चिपचिपा सा मौसम आपको देखने को मिल रहा है। इस टाइम पर आपके कूलर काम करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके घर में कूलर है और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे तो इस्तेमाल करते ही नहीं इस टाइम पर, अगर कूलर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप डिसाइड कर रहे होंगे फैन यहाँ पर क्या कर रहे होंगे ऑफ, सॉरी पानी यहाँ पर क्या कर रहे हो ऑफ करके इस्तेमाल कर रहे होंगे, मतलब नॉर्मल ऐसा फैन की तरह काम कर रहे होंगे, और फैन के नीचे भी अगर आप बैठो तो भी क्या होता है, गर्मी लग रही होती है, बिकॉज क्या है, फैन तो खाली हवा फेंक रहा है ना, और हवा के अंदर क्या आपका मॉइस्चर है, और मॉइस्चर वो होल्ड नहीं कर पा रही, तो क्या कर रही है, आपकी स्किन के ऊपर आके मॉइस्चर चिपकाई जा रही है, तो ये क्या है, आपकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कोल्ड एयर के पास कम होती है। बात समझ आई। इस टाइम पर आपके एसी काम करते हैं, क्योंकि एसी के पीछे क्या होता है, पानी निकलता रहता है, एसी क्या करता है, वो आपका एसी इज एयर कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग और कूलिंग में ये डिफरेंस होता है, कूलिंग होता है खाली ठंडा करना जो कि कूलर करता है, और कंडीशनिंग के अंदर क्या हो गया कि वो उसके मॉइस्चर या फिर कह लो कि इसकी जो ह्यूमिडिटी है उसको भी क्या करता है, मैनेज करता है। ये बात आपको समझ आ गई, अगर आपको अभी भी समझ नहीं है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़े से दो एग्जांपल आपको और देता हूँ, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, आपने सभी सुने तो होंगे, तो मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जिम बॉयज का एग्जांपल दे रहा हूँ, और दूसरा आपको एक बिल्कुल घरेलू एग्जांपल देता हूँ जो कि आपका होम प्रेमिसेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो इन केस मान लो जिम के अंदर मान लो मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आज तो मैं जाकर क्या करूंगा आपका, मैं चेस्ट की एक्सरसाइज करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जाऊंगा और मैं जाकर बेंच प्रेस लगाऊंगा। अब मैं सीधा जिम में गया, मैंने कोई वार्म अप नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करी, सीधा जाकर मैं क्या हो गया, बेंच प्रेस की मशीन पर बैठ गया, ठीक है।
अब जैसे मेरा पर्सनल बताऊं तो मैं पर्सनली बेंच प्रेस के बस 60 kg के आसपास उठा लेता हूँ, मतलब 60-65 अभी फिलहाल के लिए मेरा वही है। तो मैं जाकर सीधा क्या बोलता हूँ, मैं अपना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर रहा हूँ जस्ट 65 kg, ठीक है 60 मान लेते हैं, ठीक है 65 तो ड्रॉप सेट ही हुआ है, एनीवे 60 kg। तो मैं जाया और मैं जाकर 60 kg वेट लिफ्ट कर दिया, शायद मैं इसके ना पर्सनली बताऊँ तो शायद मैं इसके अच्छे से रेपिटेशन पूरे ना कर पाऊँ। क्यों ना कर पाऊँ? ना कर पाऊँ क्यों? क्योंकि मेरा कोई बॉडी में वार्म अप ही नहीं है। जैसे जिम की भाषा में क्या बोलते हैं, अगर आपके कोई ट्रेनर वगैरह तो क्या बोलते हैं, बेटा जाके पहले थोड़ी सी बॉडी गर्म कर, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर, उसके बाद जाके सेट लगाना, अदरवाइज क्या होता है इंजरी के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं कंसिस्टेंटली 60 kg का सेट नहीं लगा सकता। इसकी बजाय क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जिम में गए थोड़ा सा वार्म अप चल चल के गए, थोड़ी सी हमने क्या कर ली, मतलब रनिंग से कर ली, थोड़ी सी हमने क्या कर लिया वैसे स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, वार्म अप सा कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। मतलब क्या है, मैं 4 सेट अगर लगा रहा हूँ तो मैं 4 सेट 60 kg के नहीं लगाऊंगा, मैं स्टार्ट करूंगा 10 kg से, फिर बढ़ाऊंगा मैं अपना 25 kg कर लूंगा, फिर मैं करूंगा 40 kg कर लूंगा, फिर जाकर मैं करूंगा ड्रॉप सेट व्हाटएवर स्टेप इज, मैं जाकर 60 kg यहाँ पर पिक करूंगा। तो दैट इज द केस, दैट इज द केस। इस केस से क्या होता है, आपका चीजें चलती रहती हैं, इसको मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। ये तरीका क्या आपका, मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी बॉडी गर्म होती रहेगी तो क्या हो जाएगा, इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इस केस में जो आपको जिम वाला केस में दे रहा हूं, तो यहाँ पर मॉइस्चर को हटाकर आप रख लो वेट, या फिर कह लो लोड होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब उतना ज्यादा क्या करते हो डंबल उतना ज्यादा क्या होता है वेट क्या कर सकते हो उठा सकते हो। ये तरीका हो गया। घर के अंदर आपने एग्जांपल सुना होगा, घर के अंदर बिल्कुल घरेलू एग्जांपल सुनाता हूं आपको। आपकी मम्मी जैसे मेरे को भी याद है 2-3 दिन पहले जब बहुत ज्यादा ऐसे गर्मी सी मॉइस्चर वगैरह था, अभी भी ऐसे मॉइस्चर ऐसा ही है, तो मुझे याद है कि आपकी घर में मम्मी ने आपको पक्का ही बोला कभी ना कभी कि यार एक बार मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ, या फिर एक बार मैं वट एवर स्टफ आई एम डूइंग इन किचन, बिकॉज किचन इज लाइक हेल इन दिस टाइम, तो किचन के अंदर अगर आप मैं काम कर रही हूँ तो मैं अभी जितना भी पसीना आ रहा है वट एवर स्टफ इज देयर मैं यहाँ पर काम कर लूंगी। एक बार जाकर मैं किचन से बाहर निकल गई और एक बार जाकर पंखे के नीचे बैठ गया, फिर मान लो कि वो एसी रूम में जाकर कोई बैठ कर खाना पीना खा रहे हैं, वट एवर स्टफ इज देयर, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कम बैक एंड डू समथिंग इन किचन। इवन अगर आपको ही भेजेंगे तो आप लोग भी यहाँ पर काम करने से कतरा होगे। सेम या फिर आप घर के बाहर जा रहे हो, अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तो आप घर के बाहर एक बार जाके जितने मर्जी काम कर लिए, एक बार घर के अंदर आके आप बेसी में बैठ गए उसके बाद निकल पाना, भाई तौबा तौबा, मतलब तो उसके बाद तो कोई बहुत ही बड़ा केस होगा तब जाके आप हिलोगे, वरना आप नहीं हिलने वाले, एसी रूम के बाहर नहीं निकलने वाले। तो दिस इज एग्जांपल द सेम, तो सेम एग्जांपल आप रिलेट करके समझ सकते हो। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत सारे एग्जांपल मैंने दे दिए हैं। अब समझ लेते हैं रेनफॉल्स की टाइप को समझ लेते हैं, बिकॉज इट्स नाउ इट्स गोना बी अ पीस ऑफ केक। एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है सैचुरेशन वाला, तो मेरे को वो समझाने के लिए आपको इतना सारा एफर्ट करना पड़ा, बट अब तो बहुत ज्यादा इजी हो गया टॉपिक। तो रेनफॉल्स होते हैं बेसिकली आपके 4 प्रकार के, जिसमें आप लोग 2 प्रकार के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी सब तो मजाक है, ठीक है। सबसे पहला आपको देखने को बोलता है, ऐसे बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। कौन सा रेनफॉल? साइक्लोनिक रेनफॉल, एक मिनट, साइक्लोनिक रेनफॉल। देखो ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है इक्वेटोरियल बेल्ट के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि इक्वेटर पर देखने को मिलता है। और इक्वेटर पर क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज इक्वेटर की क्या होती है, इक्वेटर के ऊपर हमेशा हमेशा क्या होती है, आपकी गर्मी सी पड़ती रहती है, मतलब हमेशा आपके ऑल टाइम ऑलमोस्ट आपकी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक, या इवन इसके बाद भी आपकी क्या होती है, धूप आपको बहुत ज्यादा मेजर अमाउंट पे देखने को मिलेगी, है ना, बिकॉज बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है ये, तो आपका इक्वेटर होता है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर आपको ऑलवेज धूप देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर क्या होता है, हीटिंग बहुत ज्यादा होती है, और हीटिंग होगी तो क्या होगी, वेपरेशन होगी, ऐसे करके देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इक्वेटर पर आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। इस केस में होता क्या है, देखो सर्फेस क्या आपका हॉट है, क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ रही है। देखो सर्फेस क्या आपका हॉट सर्फेस है, क्योंकि क्या हो रही है, गर्मी पड़ रही है। अब अगर गर्मी पड़ रही है तो क्या हो रहा है, जो हवाएं यहां से आ रही हैं अब ये गर्म सर्फेस के साथ जब टकराएंगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जब भी टेम्परेचर आपका हाई होता है तो यहां पर क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन बनता है। क्या बनता है आपका, जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या बनता है आपका, एक लो प्रेशर का जोन बनता है। कैसे बनता है जरा समझो, देखो सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो आप मान लो दो कोई जानवर लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो कुत्ते लड़ रहे हैं, ठीक है, दो टू डॉग्स आर फाइटिंग, तो आप क्या होगे, अब वहां पे जाकर बैठे खड़े होकर देख थोड़ी रहोगे यार, आपको डर लगेगा ना, कभी आपकी तरफ ही आ गए तो काम खराब हो गया। दो सांड लड़ रहे हैं तो क्या करते हैं, दूर भाग जाते हैं लोग। तो ऐसे ही केस होता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो एक दूसरे को टक्कर वक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर वक्कर मार रहे हैं, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स टकरा टकरा के दूर दूर भाग जाते हैं। अब दूर भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब इस खाली जगह का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर होता है। जहां पर कुछ नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कम मात्रा में, उसे बोलते हैं लो प्रेशर बोलते हैं। वेरी वेरी इजी। तो क्या हो जाएगा, हॉट सर्फेस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लो प्रेशर यहाँ पर कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, बहुत सारी हवाएं यहाँ पर क्या होंगी, एग्रीगेट होनी शुरू हो जाएंगी। ये लो प्रेशर एरिया बन गया, तो ये सबके सब, जब खाली जगह होती है तो ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहते हैं, तो ऐसे ही क्या होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है, बीच में वाटर बॉडी, क्योंकि आपको इक्वेटर के पास आपको बहुत सारी वाटर बॉडी देखने को मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारी एयर आएंगी तो क्या होंगी, ये वाटर को पिकअप कर लेंगे, वाटर को पिकअप करेंगे, एंड इन द केस ऑफ मोमेंटम, इन मोमेंटम के केस में क्या होगा, ये क्या करेंगे, ऊपर राइज करने शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मतलब पानी उठाया और ऊपर लेना शुरू कर दिया, और क्या हो गया, आपके ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब सरफेस हॉट था, गर्म हवा यहां से आ तो गई,
पानी पिक करने के बाद ये ऊपर जाने लग गई। जैसे पानी पिक करना है और ये ऊपर जाने के प्रोसेस के अंदर अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि ये ठंडी हो जा रही है, क्योंकि पानी तो पानी को उठाया ना और पानी इसकी हीट अब्सॉर्ब कर लेगा। अब जैसे से ऊपर जा रही है तो क्या हो रही है, इनका टेम्परेचर क्या हो रहा है हल्का हल्का, इसको हीट करे तो मैं देखो ये आपकी रेड रेड करके मतलब गर्म गर्म है भाई अभी, और जैसे जैसे ऊपर जाती रहेंगे तो क्या होंगी हल्की हल्की क्या होती रहेंगी, ये डर होती रहेंगी हवाएं, अब ठंडी ठंडी हवाएं ऊपर हो गई। अब कोल्ड हवा होगी तो क्या हुआ, देखो कोल्ड हवा मैंने आपको क्या बताया था, गर्म हवा के अंदर क्या होता है बहुत ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठी मतलब मॉइस्चर क्या कहते हैं अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हवा ऊपर जाकर क्या होगी ठंडी होगी। अभी समझाया था आपको, देखो सेम 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 कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट होता रहेगा। अब जैसे ऊपर चली गई हवाएं तो क्या होगी, ऊपर जाकर क्या हुआ आपका ठंडी होगी हवाएं, अब ठंडी होगी तो जाके ऊपर ये मॉइस्चर है तो यहाँ पर क्या होगा बादल वादल बना लेंगे, लेकिन जैसे ठंडी आपकी ऊपर जाकर हवा होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जितना पानी लेकर आई थी, अभी क्या रियलाइज हो रहा है कि भाई हम इतना पानी हम तो रख ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा एक्सेस ऑफ वाटर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही जाकर ऊपर एक्सेस ऑफ वाटर इकट्ठा होता रहेगा तो क्या हो जाएगी, ऊपर जाके ऊपर से नीचे आएंगे क्या हो जाएगी आपकी रेनफॉल हो जाएगी, यानी कि बारिश हो जाएगी। इस प्रकार की रेनफॉल को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर जो रेनफॉल हो रही है, यहाँ पर जो रेन हो जाएगी कि ऊपर जाकर चलेगा, और यहाँ पर उसे बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। अब साइक्लोनिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज इक्वेटर के पास जो होती है ना हवाएं जब एग्रीगेट होती हैं तो इस तरह से लूप्स की फॉर्म में होती है, यानी साइक्लोनिक जिस तरह साइक्लोन बनता है ना आपका भवंडर टाइप, तो वहां पर इस तरह से जब मैंने आपको ये 2D में दिखाया, अगर आप इसको थोड़ा सा 3D में देखोगे तो ये मान लो ये आपका ऐसे ऊपर से मैंने ओशन टाइप का सर्फेस इकट्ठा किया है, तो जो हवाएं आती है ना वो इस तरह से लो प्रेशर के जोन में आती है, इस तरह से ये आपकी हवाएं आ रही है ऐसे ज्वाइन कर जाएगी, ऐसे करके ज्वाइन कर जाएंगे, तो ये इस तरह से क्या करेंगे आपकी ज्वाइन करेंगे हवाओं को, तो ये इस तरह से साइक्लोनिक कंडीशन बना देती है। फिर क्या करती है ऊपर की तरफ राइज करती है, मतलब ऊपर की तरफ राइज करेंगी, तो ये वाला केस आपको देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ राइज करने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। बहुत बहुत ईजी है, कुछ भी खास काम का नहीं है, ठीक है, सिंपल रखना ये आपका इक्वेटर पर देखने को मिलता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट हियर। चलो जी पहली वाली खत्म होगी, अब आते सर अपने सेकंड वाली पे, अगला पेज लेते हैं यार, है ना। चलो यार सोच में ओहो ब्लंडर कर दिया यार मैंने, एक सेकंड सेकंड थोड़ा सा ब्लंडर कर दिया मैंने, एक्चुअल में ये साइक्लोनिक रेनफॉल नहीं है यार, ये आप ये कन्वेंशनल रेनफॉल, यार क्या कर दिया मैंने कन्वेंशनल रेनफॉल। चलो कोई नहीं, अभी मैं कुछ बड़ी बात नहीं, मतलब इसी तरह से होती है सेम, इसी तरह से होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल ये आपकी क्या है कन्वेंशनल रेनफॉल है, इस तरह से कन्वेंशनल रेनफॉल भी मतलब क्या नॉर्मल जो भी रेनफॉल होती है इस तरह से होती है, और कन्वेंशनल आपको रेनफॉल आपको इक्वेटर पर ज्यादा देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है ना वो भी इसी तरह की होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल की होती है वो भी बिल्कुल सिमिलर तरह से होती है, बस यहाँ पर क्या होता है जो हवाएं यहाँ पर आ रही है ना ये मेरे को था ना उस तरह से बमंडल की तरह आती है, इस तरह से आती है, बिल्कुल सही बोला था मैंने आपको, बस वो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि लो प्रेशर जोन जो होता है ना वो इंटरनली बहुत ज्यादा हैवी बन जाता है, मतलब ना जो जैसे आपको देखो ये क्या आपकी हवाएं यहाँ पर आई, हवा यहाँ पर आई इकट्ठी सी हुई पानी लिया और पानी करके ऊपर चली गई, इस तरह चली गई। साइक्लोन में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी हवाएं एक टाइम पर आ जाती है, बहुत सारी हवाएं यहाँ पर एक साइड पर आ रही है, जैसे आपको मैंने बताया था अभी अभी करके ऐसा करके वो स्फीयर ऐसा बन जाता है। यार एक सेकंड रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे बात नहीं बनती। देखो ये क्या है, ये पता नहीं मैंने आर ओ का कुछ पाइपलाइन से निकाला हुआ है, इसको मैं पीछे सेट करने के लिए अपने कमर का स्टैंड सही करने के लिए लगा लेता हूँ। देखो समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जो साइक्लोनिक है देखो कन्वेंशनल में क्या हुआ, कन्वेंशनल में ऐसे कंडीशन बनी रही थी, बस यहाँ पर हवाएं आई और हवाएं करके राइस चली गई ऐसे करके, ये जो है ना कन्वेंशनल रेनफॉल, दिस इज व्हाट कन्वेंशनल रेनफॉल इज, ठीक है, डांस का स्टेप समझ लो कुछ भी समझ लो, तो ये क्या आपका कन्वेंशनल रेनफॉल है, ऐसी आई ऊपर चली गई। थोड़ा बड़ा कर दूं क्या स्क्रीन यार आप लोग, पर ध्यान से देखो इधर ही देखना मेरे को, है ना, मेरे को देखना समझ आ जाएगा आपको कुछ। अरे भाई ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा अब, क्या है यार, अरे अरे कहां चला गया, एक सेकेंड कहां लो गया यार, वो ही नहीं मिल रहा है, हाँ अब मिल गया, ठीक है ठीक है ओके चलो मेरे को ऐसे देख लो दिख जाएगा यहाँ पे। देखो ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि ये इस तरह से आई वाटर वेपर, यहाँ पर मतलब यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ये राइज करा और दिस इज द कन्वेंशनल रेनफॉल। अब साइक्लोनिक में क्या हो रहा है कि जो हवाएं आ रही है ना वो ऐसे हर जगह से, मतलब ये कोई लो प्रेशर का जोन है या फिर यहाँ पर वाटर बॉडी थी, हर जगह से हवाएं आ रही है, यहाँ से हवाएं आई और ऐसे लूप बनाने लग गई शुरू, फिर यहाँ से हवाएं आई, फिर यहाँ से हवाएं आई, सबके सब क्या हो रही है इतना सारा एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन बन जाता है। सेम तरह के केस में अगर एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन बन जाए, मतलब बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाए, लोकलाइज्ड हीटिंग हो जाए, एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाए, तो एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारी एयर क्या हो जाएगी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो इसी को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, इस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है इसी को, तो ये इस तरह से देखने को मिलेगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पर कि हवाएं क्या हो रही है, यहाँ से भी हवाएं, ये हवा आ रही थी एकदम से एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन ऐसे आके कर्व कर गई, फिर मान लो यहाँ से हवा आ रही है वो भी क्या यहाँ से आके कर्व कर गई, ऐसे करके ना अलग अलग जगह से हवाएं आ रही है और ऐसे करके ना सर्कल सा लूप बना लिया, और इस लूप को मैं सीधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस लूप के अंदर ऐसे आके इकट्ठी होगी और ये ऐसे से करते करते क्या हो रही है राइज कर रही है, मतलब क्या है इसके बाहर की तरफ यानी इस जगहों पर क्या आपका हाई प्रेशर जोन है और इसके अंदर यहां पर क्या आपका लो प्रेशर जोन है,
तो लो बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर, और ऐसे से करके क्या हो रही है आपकी राइस कर रही है, राइस कर रही है, राइस कर रही है, और ये ऊपर चले जाएंगी, ऊपर चले जाएंगे, और यहां पर जाके बादल बनाएंगी, और बादल के बाद क्या होगी, वर्षा होगी। सेम प्रोसीजर आउट देयर, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये हल्का सा इसको सेट करते हैं, बाद में देख लेंगे। तो ये हल्का सा बस प्रोसीजर था रिगार्डिंग साइक्लोनिक के लिए, बहुत सिमिलर सा ही है, बस जोन यहाँ पर क्या होता है हल्का सा डिफरेंट होते हैं। अब कैसे करें इसको, एक मिनट, ये थोड़ा सा अच्छी है, ठीक है चलो। तो ये क्या हो रहा है, बस सेम है, एब्सोल्युटली सेम, बस इसके अगर फिगर वाइज देखना हो तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ये बन रहा है, अरे हाँ, तो अंदर जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, आपका लो प्रेशर जोन, और बाहर क्या बन रहा है आपका हाई प्रेशर जोन। प्रोसेस इज एब्सोल्युटली सेम, नो डाउट अबाउट इट। और ये किसकी वजह से होता है, लोकलाइज हीटिंग, अगर क्या हो जाए बहुत ज्यादा लोकलाइज हीटिंग हो जाए, लोकलाइज हीटिंग क्या हो जाए बहुत ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है एक्सट्रीम लो प्रेशर, या फिर कह लो कि लो प्रेशर काफी ज्यादा बड़ा बन जाएगा, और देन आपका ये होता है। और क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया, तो यहाँ पर बहुत सारी एयर आएंगी, बहुत सारी एयर बहुत सारा पानी लेके जाएंगे, तो यार यहाँ पर क्या होती है जो जो मतलब क्या कहते हैं कि जो रेनफॉल होती है वो भी यहाँ पर क्या होती है बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिल जाएगी, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिल जाएगी। ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलती है, कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलती है, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी भी इकट्ठा होता है, मतलब जहां पर भी आपका ओशन होगा या फिर आपका वाटर बॉडी यहाँ पर होगी ना, वहीं पर इतना सारा मॉइस्चर अवेलेबल होगा, एंड देयरफॉर यहाँ पर आपका इस तरह से लेके जाएगा। तो मतलब दिस इज आउट देयर इन कोस्टल और कोस्टल एरियाज, या फिर आपके ओशंस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके चलो, दो होगी, अब खत्म करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले मिस्टेक हो गया था, बट दैट इज आउट देयर। ये तीसरी जो है सबसे, ये काफी सारा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं इसको, ओरोग्राफिक रेनफॉल, सेम कॉन्सेप्ट, फटाफट से समझेंगे, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये आपको हमारे वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। देखो क्या रहता है, ये अपना पहाड़, ये आपका पहाड़ है, ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं बड़ा, एक मिनट, तो लेट्स टेक दिस इज अ पहाड़, ठीक है, ये आपका पहाड़ है, और ये आ रहा है ऐसा करके कुछ। अब होता क्या है कि अपनी हवाएं वगैरह चल रही हैं, तो पहाड़ जहां पर होगा वहां भी तो हवाएं चलेंगी, ऐसा तो नहीं कि हवाएं नहीं चल रही। अब यहाँ पर क्या है, कोई मॉइस्ट एयर है, कोई मतलब क्या है जिसके अंदर आपका क्या है, आपका मतलब इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर मिला हुआ है, ऐसी कोई मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर यहाँ पर आ रही है, जो कि क्या आपके गर्म है, बिकॉज नीचे क्या, ये देखो ये क्या आपका प्लेनर एरिया है, ये क्या आपका प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली, ये आपकी माउंटेन आ गई, तो ऊपर क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जैसे ऊपर जाते रहोगे टेम्परेचर कम होता रहेगा। तो ये क्या आपका मॉइस्ट एयर विद हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में ज्यादा मॉइस्ट एयर होगी, ऐसे आएगी। देखो मस्त मस्त चल रही थी, इसे कोई दिक्कत थी क्या, नहीं, मस्त मस्त चलती जा रही थी, गर्म हवा है, आप घूमेंगे 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 घूमेंगे, अचानक से सामने क्या आ गया, चट्टान आ गई। भाई इसकी मर्जी तो नहीं थी, ये तो आराम से घूम रही थी, 20 किलोमीटर पर आर, 15 किलोमीटर पर आर, 5 किलोमीटर पर आर, 2 किलोमीटर पर आ, जैसे मर्जी स्पीड से आराम से घूम रही थी, मस्त मस्त चल रही थी, अचानक से सामने क्या आ गया, पहाड़ी आ गई। अब ये क्या हो गया, फोर्स्ड हो गया, देखो मैं अगर चल रहा हूँ तो सामने दीवार आ जाएगी, तो दीवार में बच जाऊंगा ना मैं, अब दीवार को फोड़ के जा नहीं सकता मैं आगे, तो क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से क्या होने लगा, इसे कहते हैं फोर्स्ड तरीके से मॉइस्ट एयर को ऑटोमेटिकली करना पड़ा, राइज करना पड़ा। पहले केस में क्या होता कि अपने आप राइज कर रही थी, बिकॉज वो ऐसा करके सिस्टम बन रहा था, अपने आप राइज कर रही थी, लो प्रेशर हाई प्रेशर का सिस्टम बन रहा था, यहां पर क्या ऐसे फोर्स तरीके से राइज करवाया गया है। अब जैसे राइज करेगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर जाने लग जाएगी, अब ये देखो ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है, बिकॉज सामने चट्टान आ गई, कुछ कर नहीं सकते, ऊपर जा रही है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर तो हाई था, लेकिन ऊपर जैसे जा रही है तो क्या हो रहा है, माउंटेन के ऊपर जाते थे टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका लो हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो एक पॉइंट के बाद जैसे ऊपर जा रही है, टेम्परेचर लो, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर होगी तो मतलब क्या होगी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है, ये जो भी मॉइस्चर लेकर आ रही थी उसे होल्ड कर नहीं पा रही, होल्ड कर नहीं पा रही। अब एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जब ये हवा क्या होगी, अब ठंडी में कन्वर्ट होगी, और ऊपर जाके तो क्या हो जाएगी, पूरी ठंडी हवा हो चुकी है। एक पॉइंट पे जाकर क्या हो जाएगी, बोलेगा बस भाई मेरे पास इतना मॉइस्चर था, मेरे साथ ना हो पाएगा, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो भैया मैं अपना सारा सारा मॉइस्चर गिरा दूंगी। सेम केस हुआ, एक कदम आगे बढ़ गए और टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया, बादल तो बन ही जाएंगे, बिकॉज मॉइस्चर, एक्सेस मॉइस्चर इकट्ठा है। अब बादलों के अंदर इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि मतलब मॉइस्चर, मॉइस्ट एयर ऊपर राइज करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, ऊपर पानी इकट्ठा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो बादल बने हैं ना, ये क्या कर देंगे, यहाँ पर वर्षा कर देंगे, ये बादल, ये दे विल रेन आउट एयर, दे विल रेन आउट एयर। और अगर बहुत ज्यादा हैवी लेवल पे ऐसे कंडीशन हो जाए तो फिर क्या होता है, हम बोलते हैं बादल फट गया, एक्चुअल बादल नहीं फटता है, बहुत ज्यादा अमाउंट पे रेनफॉल होती है उसे बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन, तो वो भी ऐसे देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा रेयर केस है ऐसे करके। तो ये क्या होगी, आपकी रेनफॉल होगी। अब जब यहां पर रेनफॉल हो रही है, देखो यहां से एयर राइज करी, यहीं पर रेनफॉल होगी, जब तक ये वाले क्लाउड इधर खिसक के इधर पहुंचेंगे, जब ये वाले क्लाउड क्या होंगे, खिसक के इधर पहुंचेंगे, तब तक सारी रेनफॉल हो चुकी है, इसलिए इस वाले एरिया में कुछ भी रेनफॉल देखने को मिलेगी नहीं। यहां से जो भी होगी ना, यहां पर देखो अभी ठंडी हवाएं ना, ठंडी भी नहीं रही, जैसे नीचे आ रही है, क्या हो रही है, आपकी रिलेटिवली हॉट भी होती जा रही है, तो ये आपकी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर
रेनफॉल वेनफॉल का चांस क्या हो जाएगा, ना के बराबर देखने को मिलेगी या फिर होगी ही नहीं होगी। इसीलिए क्या करते हैं, एक सिंगल सी अगर लाइन खींच दें तो क्या हम कह सकते हैं कि एक साइड पर तो क्या रेनफॉल रेनफॉल देखने को मिल रही है, एक साइड पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड या विंडवर्ड साइड, मतलब यहां पर क्या हो रही है आपकी रेनफॉल हो रही है। इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड यहां पर क्या हो रही है कोई भी रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अगर आप ये ना बोलकर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेन शेडो रीजन, मतलब जहां पर आपको रेन ना देखने को मिले उधर क्या बोलते हैं रेन शेडो रीजन। ये सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछते रहते हैं कि कहां कहां पर देखने को मिलते हैं रेन शेडो रीजन। ये सबके सब किसके हैं, ऑरोग्राफिक रेनफॉल के पार्ट है। रेन शेडो रीजन मतलब इधर कुछ भी देखने को नहीं मिला, सारे सारे यहां पर वर्षा इधर होगी और यहां पर आपको हरियाली भी कहां देखने को मिलेगी, इधर ही देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप यहां पर एटमॉस्फेयर वगैरह देखो, मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल के तौर पर, एक सेकंड, तो ये आपका आ गया ऐसे करके, इधर इधर हरी होंगी, इधर क्या होंगी सूखी सूखी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। देखो अगर मैं इंडिया का एक रफ काइंड ऑफ मैप बनाने की कोशिश करूं, ये देखो ये आपका आ गया, लग रहा है क्या, ठीक है चल जाएगा, एक बार को चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आते हैं वेस्टर्न घाट्स, तो ये आर व्हाट दीज आर कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स। अगर आप वेस्टर्न घाट्स के देखोगे, इधर देखो केरला में कितनी बारिश होती है, खूब बारिश होती है, केरला में खूब बारिश होती है, पुणे वुने भी क्या आपका हरा भरा है, मुंबई वगैरह भी आपका ठीक ठीक देखने को मिलेगा, है ना, ऐसे करके। यहाँ पर आपका बैंगलोर भी आता है, वो भी इसके आसपास ही आसपास आता है, तो ये भी आपका अच्छा सा एटमॉस्फेयर रहेगा। लेकिन मतलब इधर इधर की आपकी जो बेल्ट है ना, ये पूरी की पूरी क्या मस्त मस्त हरिया और भी ऊपर जाता है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है बेल्ट काफी सारा हरी हरी है। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये क्या डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर क्या होता है कुछ भी नहीं होता, मतलब एकदम क्या यहाँ पर क्या जैसे सौराष्ट्र रीजन आपको देखने को मिलेगा। मुंबई में इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र रीजन के अंदर पुणे मुंबई इज वेरी वेरी गुड, लेकिन सौराष्ट्र रीजन के अंदर क्या होता है बारिश ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर क्या है दो रीजन, एक तो कि ये जो माउंटेन्स है ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूस है, तो बीच में कोई ब्रेक नहीं होता कि हवा यहाँ से निकल जाए। दूसरी बात ये यहाँ पर ये देखने को मिलता है, मतलब इस साइड साइड क्या होगी बारिश होगी, साइड क्या होगी हरियाली होगी, दूसरी साइड यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑरोग्राफिक रेनफॉल, बस दैट्स इट, ज्यादा और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे देश के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोस्टल लाइन पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या होती है, ये भी कोस्टल रीजन पर आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में आपको ये आपके माउंटेनियस रीजन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट ऑल्सो। अगर आप हमें हिमालयस वगैरह भी देखो तो क्या होता है, हिमालयस वगैरह के अंदर जो इंडिया वाले स्पेसिफिक हिमालयस होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये हिमालयस है तो इधर इधर बारिश तो खूब सारी होती है, यहाँ पे खूब सारी बारिश होती है, लेकिन तिब्बत वगैरह के अंदर आपकी होती है बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। लद्दाख के अंदर क्या होती है ना के बराबर, मतलब बारिश ही नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस आपको देखने को मिलेगा इन इंडिया, वो भी क्या आपका लद्दाख ही है, बिकॉज वहां पर क्या है वो हिमालयस के ऊपर सेटेलाइट कर रहा है, मतलब क्या है तिब्बतन रीजन की तरफ आ गया। तो ये जो हिमालय से माउंटेन्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं इधर बारिश कर देते हैं, उस साइड क्या होता है आपका रेन शेडो रीजन यहाँ पर बन जाता है, ऐसा करके, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग डेजर्ट भी बोलते हैं, हमारे देश का कोल्ड डेजर्ट भी वही है, ठीक है, ऐसा करके। तो ये होगी आपकी ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरी चौथी टाइप की जो रेनफॉल जिसे बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल, बस आप नाम याद रख लो इसे कुछ, एक मिनट, फ्रंटल रेनफॉल इसका बस नाम याद रख लो और कुछ खास नहीं है, चलो आपको बता भी देता हूँ हल्का सा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस समझ लो। एक क्या होता है आपका जब हॉट फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है बहुत बड़ा ह्यूज मास, तो ऐसा समझ लो कि कुछ गर्म क्या कहते हैं आपके, तो ऐसा समझ लो, देखो ऐसे कर लो, ऐसा मतलब जैसे एक एग्जांपल, बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल नहीं है, पर एक तरफ क्या है आपके कुछ, मान लो ये कुछ एक कैसे यार कैसे नाम रखें, चलो ठीक है, WWE आपने शायद देखा होगा ना, जॉन सीना मॉन सीना भी दोस्त, आई थिंक 20 साल पूरे हो गए जॉन सीना वगैरह को, ऐसे कभी देखने को मिल जाती है न्यूज वगैरह। तो मान लो यहाँ पर टैग टीम मैच चल रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, दो लोग इधर से आए, ये दो लोग जो है मान लो कि जॉन सीना और अंडरटेकर हैं, ऐसे मान लेते हैं जॉन सीना अंडरटेकर हैं, और इधर कौन से आपके आगे रोमन रिंस, और इधर कौन सा आ गया, कौन लगाना है, कोई भी लगा लो, शीमस लगा लो, कुछ भी लगा लो, एज स्टाइल्स लगा लो, ये तो क्या हो रहा है, ये क्या आपके ये एक इधर आगे, ये मान लो ये लोग क्या आपके हॉट है, ये क्या आपके कोल्ड लोग हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इधर से आगे, ये इधर से आगे, जब दोनों के दोनों आएंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी बीच में आगे, है ना, तो मैच होगा ना बीच में आगे। तो इस मैच जहां पर होता है इसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करेंगे रेन। तो क्या होता है जब यहाँ पर दो यहाँ पर एक बड़ा हॉट फ्रंट और एक बड़ा कोल्ड फ्रंट जब आपस में टकराते हैं तो क्या होती है जो बारिश होती है उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है, बस और कुछ खास काम का नहीं है। अब ये फ्रंट्स वगैरह की ना कुछ अलग से क्लासिफिकेशन वगैरह भी होती है, पर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हॉट एंड कोल्ड फ्रंट्स मीट, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ऐसे करते हैं। बस इतनी सी कहानी थी आज के लिए हमारी, आई थिंक काफी लंबा सा थोड़ा सा लेक्चर हो गया है, मेरे को लग रहा है मतलब इंटेंसिव सा हो गया होगा ये थोड़ा समझने के लिए चीजों को, पर एनीवेज कोई दिल बात नहीं है, इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज, आपको पता क्या करना है, कमेंट करना है, और ये
एक दो दिन हमारा टॉपिक और चलेगा और फिर ये मैं शायद करूंगा, कोशिश करूंगा कि हमको इसको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से खत्म ही करते क्लाइमेट को, नहीं तो मैं उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ और रिकमेंडेशन हो रिगार्डिंग टीचिंग एंड ऑल, और अगर आपको ऐसा तरीका पसंद आ रहा हो तो बता देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा बोलोगे वैसा पढ़ा देंगे, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।